हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंट्स। जितने भी अभी हमने वीडियो कवर आउट किए हैं यानी कि 27 तक, वो सारे के सारे हमने मेन कंसेप्ट्स पढ़े हैं रिएक्ट के। अगर आप रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो उसमें जो जो कंसेप्ट्स हैं वो हमने सारे कवर आउट कर लिए मोस्ट प्रोबेबली। अब हम पढ़ने वाले थोड़ा सा एडवांस, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स क्या है और क्यों यूज किए जाते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर आउट करेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो ये कि व्हाट इज फ्रेगमेंट्स, ये है क्या फ्रेगमेंट्स। अ कॉमन पैटर्न इन अ रिएक्ट इज फॉर अ कॉम्पोनेंट टू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट्स। मतलब अगर मुझे रिएक्ट के कॉम्पोनेंट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को भेजना है, रिटर्न करना है, तो उसका कॉमन पैटर्न होता है फ्रेगमेंट। यानी कि आप फ्रेगमेंट के थ्रू उसे आप भेज सकते हैं मल्टीपल कॉम्पोनेंट को। अगर फ्रेगमेंट नहीं यूज करते तो हम क्या करते थे, डिव या कोई टैग लगा के उसे भेज देते हैं। आपको पता है कि रिएक्ट के अंदर मैं मल्टीपल कंपोनेंट यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं भेज सकता, तो उसको मुझे एक पेरेंट बनाना होगा एंड देन उसके अंदर फिर मुझे वो सारे जितने भी आपने एलिमेंट भेजने हैं वो भेज सकते हो, राइट। फ्रेगमेंट लेट यू ग्रुप अ लिस्ट ऑफ अ चिल्ड्रन विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा नोट टू अ डॉम। अब क्या हो रहा था कि जब मैं मल्टीपल एलिमेंट भेज रहा था, रिटर्न कर रहा था, वापस कर रहा था, उस समय मुझे क्या करना हो रहा था कि एक्स्ट्रा टैग लगाना पड़ रहा था, यानी कि एक्स्ट्रा नोड लगाना पड़ रहा था डॉम के अंदर, राइट। बट वो सही तरीका नहीं था, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा नोड, मुझे एक्स्ट्रा डिव नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे टैग नहीं चाहिए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने ये टेबल कंपोनेंट बना रखा है और इसके अंदर मैंने टेबल फिटिया उसके अंदर कंपोनेंट यूज किया, कौन सा कंपोनेंट, कॉलम्स। तो कॉलम्स में क्या होगा, ये करेगा मुझे एक्चुअली रिटर्न करेगा मल्टीपल एलिमेंट, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट में क्या होगा, टीडी यानी कि टेबल डेटा। अब एक कंपोनेंट मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ रिटर्न नहीं कर सकता, उसे एक ही पेरेंट चाहिए था, तो उसके लिए मुझे डिव लगाना पड़ा होगा, राइट। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे कॉलम्स वाले में कंपोनेंट में मैंने क्या किया, एक यहाँ पे नोड एक्स्ट्रा ऐड किया, ठीक है, जिसको हम डिव कहते हैं। तब जाके मैं दो टीडी को भेज पा रहा हूँ यानी कि टेबल डेटा को रिटर्न कर पा रहा हूँ। बट अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि भाई एक्स्ट्रा नोड लग चुका है। अगर इसको पूरा आउटपुट देखा जाए कि ब्राउजर पे किस तरीके से दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, राइट। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सर लगा दिया, टीवी लगाया, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट सपोज करो आपने कैसी सीएसएस बना रखी है जिसमें लिखा हुआ है आपने कि टीआर के बाद टीडी पे वो सीएसएस लग जाए, क्या यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी, नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में एक्स्ट्रा नोड, राइट। तो इसको देखते हुए हम फ्रेगमेंट को यूज करते हैं। अब फ्रेगमेंट किस तरीके से यूज होते हैं, मतलब हाउ टू यूज इट, ठीक है। तो दो तरीके से यूज होते हैं, पहला होता है कि आप लिखो रिएक्ट फ्रेगमेंट और आप लिख सकते हो एम्प्टी टैग्स के अंदर कंपोनेंट या अपने जो रिटर्न एलिमेंट है वो डाल दो। किस तरीके से होगा वो हम कोडिंग के थ्रू देखते हैं। ओके, सो जैसे मैं कोड पे आ चुका हूं, अब क्या करते हैं अपन सोर्स पे चलते हैं। यहां पर मैं एक फाइल बनाता हूं टेबल डॉट जे एस की और यहां पर लिखते हैं आर एफ सी ई। या आप इसको क्लास बेस्ड भी रख सकते हो, फंक्शन बेस्ड भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और यहां पर मैं यूज करता हूं टेबल, ठीक है, उस टेबल के अंदर टी आर और टी आर के अंदर मैं कॉलम कॉल कराऊंगा, ठीक है, और इसको भी बना लेते हैं कॉलम्स डॉट जे एस और इसको बनाते हैं क्लास बेस्ड। तो लिखते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, और लिखते हैं क्लास कॉलम्स एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर अपन करते हैं रेंडर और रेंडर के अंदर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ डिफ के अंदर, ठीक है, इसको ऊपर रखते हैं, ठीक है, डिफ के अंदर अपन लिखते हैं टी डी, हेलो, कॉपी पेस्ट मारा एंड वर्ल्ड, ठीक है। और इस कॉलम को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ डिफॉल्ट कॉलम्स, ठीक है, एंड इसको यहाँ पे इम्पोर्ट करवा लेते हैं, बढ़िया। ओके, अब इसके बाद फिर चलते हैं अपन एप जेस के अंदर और यहाँ पर मैं इसे ये डिव हटा देते हैं अपन और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेबल, ओके, बढ़िया। और यहाँ पे आपका हेलो वर्ड आ रहा है, बढ़िया। और अगर मैं इंस्पेक्ट खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिव दिख रहा है, दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है कि एक्स्ट्रा डिव आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए था, राइट। अब मैं इसको कैसे हटा सकता हूँ, तो इसको हटाया जा सकता है फ्रेगमेंट के थ्रू। मतलब अगर मैं जाऊं कॉलम के अंदर
और मैं यहां पर लिख दूं रिएक्ट फ्रेगमेंट और यहां भी लिख दूं रिएक्ट फ्रेगमेंट। तो अब देखते हैं मैजिक। अब देखो, अब आपका एक्स्ट्रा डिव हट चुका है। अगर मैं सपोज करो यहां पे हटा देता हूं, तो यहां पे मुझे एक एरर देगा, कहेगा एक ही पेरेंट मुझे भेजना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डिव लगाना था, और डिव में क्या दिक्कत थी कि वो मुझे लगाना पड़ रहा था एक्स्ट्रा नोड, और वो वहां पे शो हो रहा था, राइट। मुझे नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा नोड चाहिए ही नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो मैं इस फ्रेगमेंट के थ्रू कर सकता हूं, एक तो ये तरीका, राइट। दूसरा, इसको एम्प्टी छोड़ दो, यानी कि एम्प्टी टैग यूज करो, ब्लैंक कर दो उसको, तो ये वर्क करेगा सेम एज इट इज जैसे फ्रेगमेंट कर रहा है। ये शॉर्टकट तरीका है, शॉर्ट हैंड कह सकते हैं फ्रेगमेंट यूज करने का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो फ्रेगमेंट के जो हमने फ्रेगमेंट अभी एम्प्टी यूज किया, तो उसने वो यहाँ पे शो नहीं हुआ। तो ये यूज है फ्रेगमेंट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रेगमेंट यूज कर सकते हैं। इससे आपका फायदा क्या होगा, एक्स्ट्रा नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे एक ही पेरेंट के अंदर डालकर, यानी फ्रेगमेंट यूज करके एक पेरेंट बनाकर उसे मल्टीपल एलिमेंट भेज सकते हैं। सो ये था आज की इस वीडियो में। आज हमने क्या क्या कवर आउट किया? आज हमने कवर आउट किया कि फ्रेगमेंट क्या है, और फ्रेगमेंट क्यों यूज किया जाता है, और कैसे यूज करते हैं, वो हमने देखा। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और इवन आप मुझे DM भी कर सकते हैं ट्विटर और लिंक्डइन पर, अगर आपको कोई फर्दर क्वेरीज हैं रिएक्ट के रिलेटेड, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज़ सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।